तुम कब तक गुलाम बने रहोगे? गुरु का इतना ही अर्थ है, जो खुद पार हो गया वही तुम्हें चेताएगा। अगर 10 लोग यात्रा पर गए हो, जंगल हो घना, खतरा हो, तो क्या करते हैं? यक हरते हैं कि पाली पालजी से जागते हैं। 9 साल जो है एक जागता है, क्योंकि खतरा आएगा तो जाग रहा है वही जगा सकेगा। तब उसकी नींद का वक्त आता है, तब वह दूसरे को जगा देता है, अब तुम जागो, अब मैं सो जाता हूँ। एक तो जागता हुआ चाहिए, नहीं तो खतरा आएगा, पता ही नहीं चलेगा, नींद में ही सब भर जाएगा। गुरु का अर्थ है, जो स्वयं जागा हुआ है वह तुम्हारी नींद में उपयोगी होगा। तुम बार बार सो जाओगे, नींद में बार बार घड़ा सीधा हो जाएगा, बार बार तुम भूलोगे, बार बार तुम चुप जाओगे। ऐसा हुआ, एक सूफी फकीर हुआ। उसका असली नाम किसी को पता नहीं, लेकिन जिस नाम से जाना जाता है वह है नसाज, खैर नमाज फकीर था। एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहा था स्वस्थ। एक आदमी गुलाम की तलाश में निकला था, गुलाम खरीदना था और एक मजबूत गुलाम चाहिए था। इस आदमी को झाड़ के नीचे इतना स्वस्थ बैठा देखकर और फकीर फटे कपड़े, उसे लगा कि यह कोई भागा हुआ गुलाम है, किसी का गुलाम है, भाग गया है, यहाँ जंगल में छिप रहा है। आदमी मजबूत दिखता है, काम का है। उस आदमी ने जाकर पूछा कि क्या तुम भागे हुए गुलाम तो नहीं? नसाज ने आंखें खोली और कहा, तुम ठीक ही कहते हो, भागा हुआ हूँ और गुलाम हूँ। उसका मतलब था कि परमात्मा से भाग गया हूँ और वही तो मेरी गुलामी हो गई। वह आदमी प्रसिद्ध हुआ, यही तो मुसीबत है, संसारी और फकीर की भाषा में कहीं मेल नहीं बैठता। नसाज ने कहा कि ठीक कहते हो, भागा हूँ और गुलाम हूँ। उस आदमी ने कहा, ठीक वक्त पर मिल गए, मैं भी एक गुलाम की तलाश में हूँ, मैं तुम्हारा मालिक होने को तैयार हूँ, मेरे पीछे आ जाओ, तुम्हें मालिक की खोज है। उस गुलाम ने कहा, बड़े गजब के आदमी हो, यही तो मेरी खोज है, मालिक को खोज रहा हूँ। वह आदमी उसे घर ले गया और उसने कहा, मैं हुआ तुम्हारा मालिक, तुम हुए मेरे गुलाम, और जो काम मैं बताऊं वह करो। उसने कहा, यही तो मैं चाहता था कि कोई बताने वाला मिल जाए कि क्या करूं क्या ना करूं, अपने किए तो सब अनकिया हुआ जा रहा है, खुद कर करके तो फंस गया हूँ, तुम भले मिले। थोड़ा शक उस आदमी को होना शुरू हुआ कि या तो यह आदमी पागल है और या फिर कहीं कुछ भूल चूक हो रही है, कहीं भाषा का भेद है। पर उसने सोचा कि अपने को प्रयोजन भी किया, वह आदमी राजी है, ठीक और मुक्त मिल गया, बिना कुछ दिए लिए, और आदमी तगड़ा स्वस्थ। उसने उससे काम लेना शुरू कर दिया। वह आदमी इतना भला पाया उस संसारी आदमी ने इस फकीर को, उसने इसका नाम खैर रख दिया। खैर यानी अच्छा, भला। फिर उसने इसे, वह उसका खुद का काम था कपड़े बुनावाई का, उसने इसे कपड़ा बुनना सिखाया, तो उसका दूसरा नाम हो गया नसाज। नसाज यानी कपड़ा बुनने वाला, खैर नसाज उसका नाम हो गया। 10 साल बीत गए, उसने बड़ी सेवा की इस मालिक की, उसने इतनी सेवा की और इतना सम्मान दिया और इतना श्रम किया कि इस मालिक को भी चोट लगने लगी भीतर की, मैं बड़ा शोषण कर रहा हूँ, एक पैसा मैंने इस आदमी पर खर्च नहीं किया है जो इसकी वजह से बड़ी धन दौलत आ गई है और मैं शोषण कर रहा हूँ, अब वक्त आ गया है कि मैं इस मुक्त कर दूं। तो उसने इसे बुलाया और कहा कि बहुत हो गया, तुम बड़े काम के साबित हुए, लेकिन मुझे मन में खटकता है कि मैं शोषण कर रहा हूँ, उस खटकन को अब और ज्यादा नहीं सहा जा सकता, अब मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, अब तुम अपने मालिक हुए। नसाज ने कहा, बड़ी कृपा की तुमने मुझे मेरा मालिक बना दिया और बहुत कुछ सीखने को मिला, तुम्हारे पास दास होने की कला सीखने को मिली और अब परमात्मा से फासला नहीं है, क्योंकि गुलाम होना जब से मैंने जान लिया अहंकार टूट गया, अहंकार टूटा कि गुलामी मिटनी शुरू हो गई, और देखो तुम तक मुझे मुक्त किए दे रहे हो, मैं तो मुक्त हो गया, लेकिन अब तुम्हारे संबंध में क्या ख्याल है, तुम कब तक गुलाम बने रहोगे?